नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती गुंडागर्दी के खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौनी शाह आजाद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई से आम जनमानस का जीवन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रदेश के पढ़े लिखे युवा बड़ी मात्रा में बेरोजगार घूम रहे हैं। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष गौतम असाइया लंगेश ने कहा कि झांसी में बहुजन समाज के साथ दिन प्रतिदिन जाति के आधार पर अत्याचार बढ़ रहा है और झांसी पुलिस के कुछ थानों में दरोगा द्वारा गरीबों की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या मामला है जी? सब तो मैं बताऊंगा। मैं मौनी साहब की आजाद, मेरा नाम है और भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ झांसी से। देखिए, जिस प्रकार से देश और प्रदेश में महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही जिले में जो है गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने विरोध प्रदर्शन जो है रखा था और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि एक बड़े पद पर बैठकर एसी कमरे से ट्वीट करना और सरकारी गलत आंकड़े बताना बहुत आसान है। ज़मीन पर उतर कर देखें कि कितना पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के तो परिवार है नहीं, तो जो परिवार होते हैं गरीब परिवार, उनके साथ कैसी कैसी समस्याएं आती हैं महंगाई के कारण, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है, उनका भी जो है शादी जो उन्होंने छोड़ रखी है, तो उन्हें जो है परिवार, जो गरीब परिवार है, उनका एहसास नहीं है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो उसके लिए दूध चाहिए होता है, उसके लिए खाना चाहिए होता है और उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन खाद्य सामग्री और खाने पीने का जो निजी मतलब दैनिक जो चीज़ें इतनी महंगी करते जा रहे हैं और रसोई गैस भी जो इतनी महंगी कर रखी है, तो इस पर जो है सर्विस टैक्स और वैट हटा करके जो है इसको कम करना चाहिए और अपने प्रदेश की जनता को थोड़ा सा जो है आराम देना चाहिए। मुख्य मांगें क्या आपकी? मुख्य मांगें हमारी यही थी कि गैस में जो है कमी की जाए, पैसे में पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल में 5 रुपये कम करने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से पिछले महीने जो है 20 से 25 रुपये की बढ़ोतरी की है, वो सारा कम किया जाए और हो सके तो उससे भी कम किया जाए। मेरा नाम गौतम असैया लंकेश है, मैं आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष झांसी हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो गुंडागर्दी है, तो उस लिए जो है हम लोग डीएम, माननीय डीएम साहब के पास आए थे और ज्ञापन दिया। और हमारी मांग यह है कि देश और प्रदेश में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जो है महंगाई चरम पर है, तो इसको जो है कम किया जाए। और गुंडागर्दी इस प्रदेश में ना देश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और युवा जो जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, जितना भी अब उन लोगों ने यह सोच लिया है, तमाम युवा जो है शिक्षा से दूर होने लगा है क्योंकि उनकी ये मेंटेलिटी हो गई, हम कितना भी पढ़ लें जीवन भर का जो है अपना पूंजी लगा लेते हैं और जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद जो है उनको जब नौकरी नहीं मिलती है तो उनको जो है माननीय प्रदेश, माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई पकौड़े चलो, तो ऐसे जो है इस देश को जो है विश्वगुरु नहीं बना पाएंगे। मेरा उनसे यही कहना है कि वो इस देश पे मूलभूत जो बातें हैं, जैसे कि भाई गरीबी पर भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, इन सारी मामलों को जो है, इन सारी बातों को देखना चाहिए और यही मांग है कि इन पर जो है विचार विमर्श करें।